बदलापुर में प्रदर्शनकारियों ने ट्रेन रोकी, करजत बदलापुर रेल सेवा बंद की गई। दो नाबालिगों के साथ दुर्व्यवहार से नाराज अभिभावकों और बदलापुर के निवासियों ने मंगलवार को आदर्श स्कूल के सामने विरोध प्रदर्शन किया। इनमें से कुछ प्रदर्शनकारियों ने करीब 10:30 बजे बदलापुर रेलवे स्टेशन पर धरना दिया। इसके चलते ही मुंबई से आने वाली और मुंबई की ओर जाने वाली दोनों रेल सेवाएं प्रभावित हुई। मंगलवार सुबह 6:30 बजे से ही बदलापुर पूर्व स्थित आदर्श स्कूल के बाहर अभिभावकों और नागरिकों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया था। जब यह आंदोलन आक्रामक रूप ले रहा था तो इनमें से कुछ प्रदर्शनकारियों ने अपना मार्च बदलापुर रेलवे स्टेशन की ओर स्थानांतरित कर दिया। सुबह करीब 10:30 बजे प्रदर्शनकारियों ने मुंबई जाने वाली और मुंबई से आने वाली दोनों ट्रेन सेवाओं को अवरुद्ध कर दिया। प्रदर्शनकारियों के रेलवे ट्रैक पर बैठने से स्थानीय यातायात ठप हो गया। 11 बजे तक पुलिस व रेलवे सुरक्षा बल प्रदर्शनकारियों को समझाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन प्रदर्शनकारी आरोपियों को फांसी देने की मांग को लेकर नारे लगा रहे थे। प्रदेश में माताएं बहनें सुरक्षित नहीं है और अब बदलापुर की घटना से ये सामने आ गया है कि स्कूल में नौनिहाल छात्र भी सुरक्षित नहीं है। बदलापुर स्टेशन पे सुबह 10:10 से आंदोलनकर्ताओं ने ट्रैक ऑक्यूपाई किए हुए हैं, जिसके चलते मध्य रेलवे की जो परिचालन है वो अंबरनाथ से लेके करजत तक का परिचालन प्रभावित है। इस दरमियान, इन दोनों स्टेशनों के दरमियान, अंबरनाथ और करजत के दरमियान की जो गाड़ियां हैं वो सारी लोकल ट्रेनें हम लोग चला नहीं पाए हैं, और इसी के साथ साथ में करीब 7 मेल एक्सप्रेस लंबी दूरी की गाड़ियां जो है वो हम लोगों ने करजत, पनवेल और ठाणा, इन 3 स्टेशनों पे डाइवर्ट की है। इसके अलावा भी हम लोग जो गाड़ियां हैं, जो बदलापुर की, करजत की, खोपोली की गाड़ियां हैं, ये गाड़ियां हम अभी अंबरनाथ पे शॉर्ट टर्मिनेट करके अंबरनाथ से ही वापस चला रहे हैं। इसमें रेल प्रशासन का, साथ ही साथ में पुलिस प्रशासन का और जीआरपी का ये प्रयास चल रहा है कि ये जल्द से जल्द जो आंदोलन करता है वो ट्रैक से थोड़ा सा हटे, और उसके चलते फिर बाकी यात्रियों को जो असुविधा हो रही है वो असुविधा कम हो। हम लोगों ने यात्रियों से भी बात करने का प्रयास किया हुआ है, और साथ ही साथ में हम सारे आंदोलनकर्ताओं से भी बात कर रहे हैं। उनसे भी हम लोगों ने ये रिक्वेस्ट की है, दरख्वास्त की है कि कृपया करके आप ट्रैक खाली कर दें, जिसके चलते जो परिचालन है मध्य रेलवे का, मुंबई मंडल का, वो सुचारू रूप से चल पाएगा। एक तरफ सरकार प्यारी बहना योजना लाकर विज्ञापन कर रही है, उरण, नवी मुंबई और मीरा भाईंदर में हाल ही में महिलाओं के खिलाफ हिंसा की घटनाएं देखी गई हैं। इसके बावजूद बदलापुर में जो घटना हुई वो निंदनीय है। विधान परिषद में विपक्ष के नेता अंबादास दानवे ने मांग की है कि आंध्र प्रदेश में बलात्कार के आरोपियों को मुठभेड़ में मार दिया गया था, बलात्कार के आरोपियों को ऐसी ही सजा दी जानी चाहिए। हमारी भी मांग है कि अपराधी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। जो लोग हिंदू जनाक्रोश मार्च निकालते हैं, क्या उन्हें बदलापुर की हिंदू महिलाओं का आक्रोश नहीं दिखता? अंबादास दानवे ने यह भी आरोप लगाया है कि नवी मुंबई के उरण में केवल हिंदू महिलाओं पर अत्याचार किया गया, लेकिन हिंदू जनता का कोई अत्याचार दिखाई नहीं दिए। बच्चियों से जो अत्याचार हुआ है बदलापुर में, बदलापुर यानी मुंबई के नजदीक है ना जी, और राज्य के मुख्यमंत्री उस डिस्ट्रिक्ट का प्रतिनिधित्व करते हैं, वहां पर यह घटना घटती है, ये तो बड़ी दर्दनाक है, और वो भी बच्चों पे। ये कब होता है? जब स्टेट में की सरकार की कोई दहशत नहीं रहती है लॉ एंड ऑर्डर के बारे में, होम मिनिस्ट्री सक्षमता से काम नहीं करती है, जब लोगों के मन में लॉ एंड ऑर्डर के बारे में कोई अहम महत्व नहीं रहता, उस वक्त ऐसी घटना करने की हिम्मत लोग करते हैं, तो ऐसी घटना हुई है, वो तो बड़ी दर्दनाक घटना है। वहीं बात करते हैं, आइए आपको बताते हैं कि आखिर मामला क्या है। बदलापुर पूर्व के आदर्श नामक शिक्षण संस्थान में ऐसा होने से हंगामा मच गया। ये घटना स्कूल की छोटी शिशु कक्षा में पढ़ने वाली 3 साल की 2 बच्चियों के साथ घटी। स्कूल में दादा के नाम से मशहूर एक शख्स ने उनके प्राइवेट पार्ट्स को छुआ, फिर माता पिता ने उस लड़की की कक्षा की अन्य लड़की के माता पिता को सूचित किया। संदेह होने पर वो अपनी बेटी को जांच के लिए बदलापुर के एक अस्पताल में ले गए। इस जांच के बाद अस्पताल ने पुष्टि की कि उन्हें प्रताड़ित किया गया है। इसके बाद महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के पदाधिकारी और अभिभावक थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन माता पिता का आरोप है कि बदलापुर ईस्ट पुलिस ने मामला दर्ज करने में काफी देर कर दी।
आखिरकार इस मामले में 16 अगस्त की रात करीब 10 बजे अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। भारतीय न्याय संहिता और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस घटना के बाद स्कूल में छात्रों के अभिभावकों में गुस्से और डर का माहौल है। अत्यंत गंभीर स्वरूपाचा गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे। गुन्हा दाखल झाल्यानंतर 3.5 तासामध्ये जो संबंधित आरोपी आहे त्याला अटक करण्यात आलेला आहे। त्या आरोपीला माननीय न्यायालयाने पोलीस कोठडी दिलेली आहे आणि या घटनेचा अत्यंत तंत्रशुद्धरित्या तपास सुरू करण्यात आलेला आहे। या गुन्ह्यामध्ये संबंधित पोलीस स्टेशनचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक स्वतः हा तपास करत आहेत। त्यासाठी त्यांना मदतीसाठी इतर पोलीस स्टेशनचे 2 अत्यंत अनुभवी अशा महिला अधिकारी देखील देण्यात आलेले आहेत आणि या प्रत्येक तपासामध्ये तपासाच्या प्रत्येक मुद्द्यावर कुठलीही त्रुटी राहू नये, सर्व पुरावे घेतले जावेत यासाठी पोलीस प्रशासन अत्यंत बारकाईनं लक्ष ठेवून आहे आणि प्रयत्न करत आहे। या निमित्तानं मी बदलापूर शहर येथील सर्व नागरिकांना विनंती करतो की हा गुन्हा दाखल होणं, त्यानंतर अत्यंत बारकाईनं तपास करणं, यामध्ये पोलीस यंत्रणा व्यस्त आहे। या जर या निमित्तानं भावनेच्या आहारी जाऊन कोणते ठिय्या आंदोलन करणं, बदलापूर बंद करणं किंवा इतर स्वरूपाचं काही ॲजिटेशन करणं हे केल्यास जे तपास यंत्रणा तपासामध्ये बिझी आहे त्यामध्ये डिट्रॅक्शन निर्माण होतं आहे, तपासामध्ये अडथळा येतो आहे। त्याचप्रमाणे माननीय पोलीस आयुक्त यांच्या आदेशाप्रमाणे संपूर्ण ठाणे पोलीस आयुक्तालयामध्ये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी असल्यामुळे कुठलेही आंदोलन किंवा एजुकेशन करण्यासाठी परवानगी नाही। देखिए, जो भी इंसिडेंट अंबरनाथ में हुआ बहुत ही बुरा हो गया है। हमारी पूरी मशीनरी एक्टिवेट हो गई है। हमारे जो हमने इंस्ट्रक्शंस दिए थे, आज मेरे डिपार्टमेंट में 4 IAS ऑफिसर है, सब लोग पुणे से, मुंबई से सब लोग इकट्ठा है। हमारी पूरी जो मशीनरी है महाराष्ट्र की एजुकेशन डिपार्टमेंट की, वो पूरी ऑनलाइन थी। मैं आपके लिए बात करने इसलिए मैं यहाँ पे आ गया, लेकिन 8 महीना पहले मैंने मीटिंग ली थी कि बच्चे सुरक्षित रहे, इसीलिए हमने सखी सावित्री समिति का गठन किया है। वो अच्छी तरह से काम करे ताकि अपने बच्चे सुरक्षित रहे, इसके बारे में मेरे क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस थे। आज भी मैंने VC पे बोला है कि जिन्होंने ये समिति स्थापन नहीं की है उन पे कार्रवाई की जाएगी। हालांकि उनका दोष नहीं है, इस इंसिडेंस में दोष नहीं है, लेकिन ये इंसिडेंस उनके जिले में हो जाता तो वो दोषी पाए जाते। दूसरी चीज ये है कि हमने CCTV कंपलसरी किया है हर स्कूल में। यहाँ पे ऐसे ये हुआ है कि ये CCTV बंद था, तो हमने ये भी हम लोग एक इंस्ट्रक्शन निकाल रहे हैं, GR निकाल रहे हैं कि CCTV सिर्फ बिठाने से काम नहीं चलेगा, उसको ठीक ढंग से उसकी मरम्मत करना ये भी स्कूल की जिम्मेदारी रहेगी। इसमें जो 4 टीचर्स थे, मतलब 2 टीचर है, 1 हेडमास्टर है, 1 क्लास टीचर है और 2 असिस्टेंट है जो बच्चों के देखती थी, क्योंकि वे प्री प्राइमरी के बच्चे थे, KG जूनियर KG वाले बच्चे थे, तो उनको भी सस्पेंड किया गया है और उस स्कूल को भी नोटिस दिया गया हुआ है। और एक ऐसे पाया गया था कि ये जो इंसिडेंस हुआ वो 13 से 16 तक हुआ था और 18 तारीख को इसके 13 से 16 तक हुआ था और 18 को जब कंप्लेंट दी गई तो 12 घंटे तक इसका कुछ कॉग्निजेंस नहीं लिया गया, इसलिए वहां की जो सीनियर PI है उनको ट्रांसफर किया गया है। और ये जो आरोपी है जिसका नाम अक्षय है, ये अक्षय को पुलिस ने अरेस्ट किया है और उस पे जो कलम लगाए हुए है वो पोक्सा के जो कलम है उसमें 74 है, 75 है, 76 है। अगर इकट्ठा ये प्रूव हो जाता है तो इसको कुल मिला के 13.5 साल की सजा हो सकती है। इसके लिए हम लोग फास्ट ट्रैक कोर्ट में एक केस लेके जाएंगे, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर देंगे और कड़ी से कड़ी सजा उसको देंगे। लेकिन उसको सजा देने से ये खत्म नहीं होता। हमने पूरी मशीनरी एक्टिवेट कर दी है, हमारी स्कूल एजुकेशन की पूरी मशीनरी एक्टिवेट हो गई है, हमारी होम डिपार्टमेंट की सब मशीनरी एक्टिवेट हो चुकी है ताकि आगे चल के ऐसा इंसिडेंस नहीं हो। जैसे विशाखा कमेटी रहती है हर ऑफिस में,
वैसे ही विशाखा कमेटी जो सीनियर जो वहां पे स्टूडेंट है उनकी लेडीज स्टूडेंट की बनाई जाएगी हर स्कूल में, उसके बारे में भी जीआर आज ही हम लोग निकाल रहे हैं। और जो भी दूसरे स्कीम है जैसे मीना राजू मंच है जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था, उसकी भी अच्छी तरह से अमल कैसे हो और ये विशाखा समिति उस मंच के साथ मिलकर कैसे काम करे, इसके बारे में भी हमने डिसीजन लिया है। मेरा पूरा डिपार्टमेंट आज यहाँ पे उपस्थित है, मेरा जो हमारा कॉन्फ्रेंस हॉल है वहाँ पे मेरे हमारे दोनों डायरेक्टर्स है, हमारे आयुक्त जी है, सब मेरा पूरा डिपार्टमेंट है, क्योंकि हम लोग ऐसी चीजें लाइटली नहीं ले सकते, ये हमारे लिए प्रायोरिटी है, बच्चों की सुरक्षा हमारी प्रायोरिटी। हालांकि होम डिपार्टमेंट तो काम करता ही है लेकिन स्कूल डिपार्टमेंट में हमने इतने सारे नए सर्कुलर्स निकाले हैं, नए इनिशिएटिव्स निकाले हैं, हम लोग जो लेडीज स्टूडेंट होते हैं उनको कराटे की ट्रेनिंग देते हैं, ये होने के बावजूद भी ऐसे होता है तो उसमें स्कूल के जो बड़े बच्चे हैं उनको इन्वॉल्व करके लेना पड़ेगा जो खुद कराटे जानते हैं, ऐसा आदमी अगर मिलता है तो उसको वह खुद भी सजा देते हैं, इतना सक्षम उनको हमने बनाया लेकिन उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इसलिए ये विशाखा समिति अपॉइंट करने का जो निर्णय आज हमने लिया है उसका जरूर इफेक्ट होगा, क्योंकि खुद की रक्षा करना बच्चे अच्छी तरह से जानते हैं, उनको हमने ट्रेनिंग दी है, लेकिन ये जो बड़े बच्चे हैं उनको भी इसमें शामिल करके लिया जाएगा ताकि छोटे छोटे बच्चों की रक्षा के बारे में कुछ भी करना हो तो वो कर सके। और हम लोग जल्दी पुलिस डिपार्टमेंट के साथ एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग कर लेंगे और हमने जो इनिशिएटिव लिए हैं उसके बारे में पुलिस डिपार्टमेंट को बोल देंगे ताकि वो अच्छी तरह से एक्शन ले सके। पढ़ते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर। आज की खबर में बस इतना ही, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।